अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टीफन ऑफिशियल। तो मेरी आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरा जो चैनल है उसमें आपको फ़नी क्लिप्स और एंटरटेनमेंट और साथ में आपको मिलेंगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के हवाले से मेरे पास जो कंटेंट है वो है न्यू बॉर्न बेबीज़ असिस्टेंट्स का, ना कि हम लोग न्यू बॉर्न बेबीज़ को किस तरह असिस्ट कर सकते हैं, घर पर उनका कैसे लुक आफ्टर कर सकते हैं। क्योंकि यूजुअली मैंने हॉस्पिटल्स के अंदर देखा है कि छोटे छोटे मसले होते हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके भाग रहे होते हैं जो कि 3 बजे 4 बजे रात के। तो मुझे नहीं लगता कि हम अपने बच्चों को इतनी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की वजह से लेके बाहर भागें, क्योंकि हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो और इस तरह की क्रिएटिविटी आपके अंदर आए कि आप लोग किस तरह अपने बच्चों को घर पे हैंडल कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि न्यूबॉर्न्स के बारे में आपको इस तरह की असिस्टमेंट्स के बारे में पता चले कि। और साथ ही साथ इसमें ये होता है कि हम लोग अपने बच्चों को फीड करा रहे होते हैं। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे होते हैं जो मदर फीड नहीं कर रहे होते हैं, हमें उन्हें टॉप फीड देना होता है, लेकिन टॉप फीड के साथ मसले क्या क्या होते हैं। हमें बॉटल फीडिंग करानी है, हमें कप एंड स्पून से कराना है, हमें सिरिंज के साथ कराना है। और आया उस फीड कराने का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, उसमें पोजिशंस क्या होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो बेहतर ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो ताकि मेरी ये वीडियो रायगा ना जाए, क्योंकि जिनके पास भी ये वीडियो जाए उनको पता चले कि आया कि हमने अपने बच्चों को घर पे किस तरह असिस्ट करना होता है और किस तरह उनके उनको लुक आफ्टर करना है। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और ज़्यादा इस तरह के कंटेंट्स मिल सकें, और बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा क्योंकि मैं आप डेली बेसिस पर इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।